आसमां अज अर्श नाजुक तर अदब गाही जेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी जा हल वजतुनी सादिकन अलकाजीबा तुमने मुझे सच्चा पाया है या इसके बरअक्स। मक्का वालों ने बयक जुबान जवाब दिया, ये भी कोई पूछने की बात है अब्दुल्ला के यतीम जरूरत ना का मिरारा माराई ना की का इल्ला सिदका। हमने तो आपको मुतअद्दिद बार आजमाया, जब भी आजमाया हमने तो आप में सच्चाई के सिवा कुछ न पाया। आप तो दियानत का ऐलान है, आप तो शराफत का बुरहान है, आप तो सदाकत की पहचान है। हम तो आपको सादिक और अमीन के टाइटल से याद करते हैं। वो बीवी की गवाही थी, फिर खादिम की गवाही सुनी आपने, और ये पड़ोसियों की गवाही है। हजारा के रोशन जमीरो एतराज के दोस्तों मुझे बताओ, सादिक और अमीन कहने वाले साहिरा और मजनून क्यों कहने लगे? कुर्बानत सलम की रख लगाने वाले पत्थर क्यों मारने लगे? हबीबे किबरिया के राहों में आंखें बिछाने वाले कांटे क्यों बिछाने लगे? दोस्ती का दम भरने वाले दुश्मनी पर क्यों तुल गए? मिलाद के मौके पर शिरीनियां बांटने वाले डेगे पकाने वाले चढ़ावा करने वाले बिगड़ क्यों गए? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सच्चा मानते हो ना, मुझे अमीन मानते हो ना, मेरी दियानत का एतराफ करते हो ना, तो फिर आओ तुम्हारी पूरी नस्ल इंसानी की निजात के लिए आज मैं एक माटो नशर करता हूं, स्लोगन देता हूं, नारा देता हूं, मेरी आवाज में आवाज मिलाओ। मैं भी कहता हूं, तुम भी कहो, कूलू ला इलाहा चल इल्ला में जल्दी न किया, बारिश शुरू हो गई ना, कुछ लोगों को बारिश तो भी शुरू हो गई, बस ये ना बारिश तो होती रहती, अच्छी अलामत बन गई। मेरा अजीज अभी कह रहा था ना जी कि शाह साहब आते हैं तो बारिश आ जाती, अच्छी बात है जी। हाँ इल्ला ने जरा जल्दी ना किया कीजिए, ला का झाड़ू फिरने दीजिए, जरा सफाई हो जाए, बर्तन धो के दूध डालते हो या यूं ही डाल देते हो? और अगर धोया ना जाए बर्तन, यूं ही दूध डाल दिया जाए तो क्या होता है? फंस जाता है ना। दिल का बर्तन साफ करो तो फिर इल्लल्लाह की बहार आएगी। मैं भी कहता हूं, तुम भी कहो, कोई नहीं माबूद इंसानी जमीन के लिए सच्चा मस्जूद, कोई नहीं हर जगह मौजूद अल्लाहुल गयूब, कोई नहीं कारसाज दस्तगीर हाजत रवाओ मुश्किल कुशा। अब वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, उधर बैठे थे नहीं आस्ताना पर, ये क्या कहने लगे, ये क्या कहने लगे? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नहीं इज्जत देने वाला, औलाद अता करने वाला, रिस्क देने वाला, बीमारियां दूर करने वाला, बेड़े पार लगाने वाला इल्लल्लाह, मगर अल्लाह ही, मगर अल्लाह ही, अल्लाह ही। मक्का वालों ने कहा, नहीं अल्लाह भी। रहमत आलम ने फरमाया, हरगिज नहीं अल्लाह ही। उन्होंने कहा, हमारे बुजुर्ग भी, हमने कोई अल्लाह के दुश्मनों का दामन तो नहीं पकड़ा, ये भी तो अल्लाह के प्यारे हैं। हबल
सबसे बड़ा आस्ताना था उनका। हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब। कहने लगे ये भी तो अल्लाह के प्यारे हैं, बेख्तियार नहीं है, अल्लाह ने इनको भी बहुत कुछ दिया है। यही इख्तियारात तकसीम किए, बांटे हैं। फर्श अर्श पे मैं हूं, फर्श पे तुम हो। वो कहते थे अल्लाह भी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह भी इंसानी जमीन की आजजियों के लिए मस्जूद कौन। देर से आता हूं तो ठंडे हो जाते हो, मेरी ये आरजू कब पूरी होगी कि मैं जितना देर से आऊं, जब आऊं तो आपको पहले से भी ज्यादा गर्मजोश पाऊं। न मालूम मेरी ये आरजू कब पूरी होगी। दूसरी कौमें कहां पहुंच गई हैं और मेरी ये कौम है। आता हूं थोड़ा सा जगाता हूं, हरारत पैदा होती है, बेदार हो जाते हैं, फिर चला जाता हूं, फिर आता हूं, फिर छपकी देता हूं, खाता हूं, झिझोड़ता हूं, फूट बैठते हैं, फिर बेदार होता मैं चला जाता हूं। इंसानी जबीन की आजजियों के लिए हकीकी मस्जूद। तो बाहर जो बैठे मेरे दोस्त वो दूर बरामदे में, उनकी दर्द यहां लगे मेरे यहां। इंसानी जबीन की आजजियों के लिए हकीकी मस्जूद। दाएं बाएं देखकर कोई भीखा बीमार चुप बैठा हो तो उससे भी कहलवाओ हकीकी मस्जूद। हर जगह मौजूद अल्लाह मुग़ीब, हर साज़ो दस्तगीर, हाजत रवाओ मुश्किल कुशा, इज्जत देने वाला, इश्क देने वाला, बीमारियां दूर करने वाला, औलाद अता करने वाला। या अल्लाह।